मंदिर का दिव्य निर्माण। सज रही अयोध्या, निर्मल हो रही सरयू। अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम तेज। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। अपने भवन में आएंगे रामलला। प्राण प्रतिष्ठा से पहले संतों का जमावड़ा। अयोध्या में 300 संतों का आगमन। जय श्री राम। शुल्क आपको वहन करना पड़ेगा। 3 अक्टूबर से भव्य धार्मिक अनुष्ठान। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर को फाइनल टच दिया जा रहा है। जनवरी 2024 में धार्मिक अनुष्ठान के साथ रामलला अपने भवन में विराजमान हो जाएंगे, यानी 100 दिनों के अंदर मंदिर उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएगा। मंदिर को जल्द से तैयार करने के लिए इंजीनियर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मजदूरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने वाले अलग अलग मठों से 300 संतों को अयोध्या बुलाया गया है, जिन्होंने मंदिर की भव्यता देखी। रघुनंदन की नगरी अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण आखिरी पड़ाव पर है। वहीं भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए कई इंतजाम भी कर रखे हैं। इसलिए अयोध्या में करीब 300 साधु संत रामलला का भव्य मंदिर देखने आए। ये उन मठ मंदिरों के संत हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों ने इन संतों को भगवान के भव्य मंदिर को दिखाया। मंदिर देखने के बाद सभी संतों ने मंदिर की भव्यता का गुणगान किया। एक अद्भुत अलौकिक दिव्य दर्शन आज अयोध्या के संतों ने एक साथ किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में 22 जनवरी को जब नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी राम जन्मभूमि में भगवान राम लला को अपने स्थान पर विराजमान करेंगे, तब ऐसा लगेगा कि विश्व का सबसे अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखने को भारत के नहीं विश्व के हिंदुओं को मिला है। और अतिशीघ्र भगवान 22 जनवरी को मंदिर में विराजमान होंगे, जिसकी पूरी तैयारी चल रही है। और सभी संतों के मन में बहुत उल्लास है और प्रसन्नता है कि हमारे अयोध्या का जो एक बहुत बड़ा कलंक था वो मिट गया और अयोध्या का गौरव सारे विश्व में प्रतिष्ठित हो रहा है। इसके लिए समस्त हिंदुओं को, राम भक्तों को हम बधाई देते हैं और सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। अस्तु। अयोध्या के संतों ने मंदिर की भव्यता की जमकर तारीफ की। सभी संतों का कहना है कि 22 जनवरी को भगवान राम अपने भवन में विराजमान हो जाएंगे। इसके साथ ही विश्व के सभी हिंदुओं के लिए क्षण ऐतिहासिक होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण की तस्वीरें समय समय पर सोशल मीडिया पर जारी करता रहता है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है वाकई भगवान राम का भवन अलौकिक और दिव्य होगा। और निर्माण कार्य बड़े सुंदर ढंग से चल रहा है। सारी कलाकृतियां उसमें स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही हैं, जो हमारे प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप को दिखा रही हैं। आज हमें बहुत बड़ा गर्व है कि मेरी राम जन्मभूमि अयोध्या की जो गरिमा थी, आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है।
क्योंकि जो भी वहाँ कलाकारियाँ और चित्रकारियाँ हो रही हैं उसको देख के लगता है अजंता एलोरा आदि की जो चित्रकारी है वो यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रही है। तो वो हमारी प्राचीन धरोहर संस्कृति थी उस रूप में है। बहुत सुंदर लगा और भगवान श्री राम का बड़ा भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है जो पूरे संसार के लिए एक आदर्श होगा और यहाँ देखने के लिए पूरे विश्व से लोग आएंगे और अभी ही बहुत लोग ललायित हैं आने के लिए।